त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आज महोबा जिले में सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई। हालांकि सुबह के वक्त किसी बूथ पर सन्नाटा तो कहीं लंबी कतारें देखने को मिल रही थीं। मतदान को लेकर लोगों को बड़ा ही उत्साह है। इस बार बूथों पर कोविड का कड़ाई से पालन भी कराया गया और मतदाताओं का टेम्परेचर और सैनिटाइजर कराकर अंदर जाने दिया गया। इसके अलावा बूथों के बाहर गोले बनाए गए ताकि मतदाता दूरियां बनाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आपको बता दें कि जिले में प्रधान पद के 3376 प्रत्याशी, जिला पंचायत सदस्य पद के 248 प्रत्याशियों के 5,66,600 मतदाता करेंगे। पहले चरण के मतदान के लिए मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो गई थी। सुबह की पहल तो अच्छी है, पोलिंग बूथों में लंबी लंबी कतारें लगी रहीं। इसके बाद दोपहर में तीखी तपिश के चलते हल्का सा सन्नाटा पसरा रहा। जैसे ही जैसे शाम ढली वैसे ही वैसे मतदाताओं का घरों से निकलना बाहर निकले और उन्होंने अपने अपने बूथों में पहुंच अपना अपना मतदान किया। मतदान के बाद आज प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतपेटियों में कैद हो गया है। प्रजातंत्र टीवी के लिए मानवेंद्र सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट, महोबा।